रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। लोकसभा चुनावों के लिए हमीरपुर में नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कांग्रेस की रैली पर बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों पर प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पलटवार किया है। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रेम कौशल ने रैली पर बयानबाजी को सिरे से खारिज करते हुए निराधार बताया है। साथ ही कौशल ने कहा कि गड़बड़ आज के समय में बीजेपी में चली हुई है और आए दिन वरिष्ठ बीजेपी नेता कांग्रेस में ज्वाइन हुए हैं, जिससे सीएम की स्थिति अपने गृह जिला मंडी में दयनीय बनी हुई है। लोकसभा चुनावों के लिए हमीरपुर में नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कांग्रेस की रैली पर बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों पर प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पलटवार किया है। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रेम कौशल ने रैली पर बयानबाजी को सिरे से खारिज करते हुए निराधार बताया है। साथ ही कौशल ने कहा कि गड़बड़ आज के समय में बीजेपी में चली हुई है और आए दिन वरिष्ठ बीजेपी नेता कांग्रेस में ज्वाइन हुए हैं, जिससे सीएम की स्थिति अपने गृह जिला मंडी में दयनीय बनी हुई है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस से त्याग पत्र देकर बीजेपी ज्वाइन करने के लिए बयान दिए जाने पर प्रेम कौशल ने कहा कि बीजेपी के नेता इस तरह की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आज पूरी तरह से घिर चुकी है और अपने नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से लग रहे झटकों से बचने के लिए इस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं। टाउन है जिसमें मुख्यमंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री हैं, दूसरे नेता हैं, उन्होंने हमारा जो कार्यक्रम हुआ गांधी चौक के ऊपर नामांकन वाले दिन उसको लेकर कुछ टिप्पणियाँ की हैं। कांग्रेस पार्टी उनकी भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणियों को और उनके जो बयान हैं उनको पूरी तरह से खारिज करती है। जैसे कि उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह जो भाषण दे रहे थे, आनंद शर्मा जी और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मंच से उठ के चले गए, निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आनंद शर्मा बहुत वरिष्ठ नेता हैं हिंदुस्तान के, कांग्रेस पार्टी के, और वो वीरभद्र सिंह जैसे वरिष्ठ नेता भाषण दे रहे हैं, आनंद शर्मा मंच से चले जाएँ, ये एक भ्रांति फैलाने वाली बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। दरअसल में गड़बड़ भारतीय जनता पार्टी के बीच है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेश चंदेल जी भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में आ चुके हैं और आज तीखे प्रहार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कर रहे हैं। अनिल शर्मा उनके मंत्री जो हैं उनको मंत्रिमंडल से निकलना पड़ा और ऐसी स्थिति मुख्यमंत्री की मंडी जिला के अंदर ही हो गई है कि उनको समझ नहीं आ रहा। अनिल शर्मा उनके जैसे न निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। उनके अपने ही विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर रहे और उनकी जो अनिल शर्मा है उनका पूरा परिवार जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहा है। तो उनकी अपनी भारतीय जनता पार्टी की और मुख्यमंत्री की अपनी ही बहुत दयनीय स्थिति हो गई है इसमें मंडी में। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनके जो बयान हैं उनमें झल्लाहट है, बौखलाहट है, अन्यथा जयराम ठाकुर जी को एक शालीन नेता के तौर पर जाना जाता है, उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की टिप्पणियाँ करें। भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन होते हैं किसी कांग्रेस पार्टी के नेता के विषय में इस तरह की टिप्पणी करने वाले कि वो इस्तीफा दें, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं? भारतीय जनता पार्टी दरअसल इस वक्त स्थिति भाजपा की ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से घिर चुकी है और उनके अपने नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो वो जो एक झटका और धक्का भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है उसको कवर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के और सम्माननीय नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनका पूरा आदर और सम्मान करता है। कोई उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रामपुर विधानसभा क्षेत्र में वीरभद्र सिंह के अलावा किसी की कोई हैसियत नहीं है, किसी का कोई रुतबा नहीं है। वीरभद्र सिंह के अलावा वहाँ कोई नेता नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है। तो ये लोग अगर इनकी राजनीति में जो मुकाम हासिल किया है उन्होंने वीरभद्र सिंह के दम के चलते किया, उनके आशीर्वाद के चलते किया, उनका व्यक्तिगत अस्तित्व मैं समझता हूँ नहीं है, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी भी आएंगे और भी कई नेताओं को लाने की कोशिश है।